राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी विभाग की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के समक्ष की गई सदन की बैठक। आजमगढ़ जनपद में 21 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्ष आजमगढ़ की बैठक नेहरू हॉल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में गत कार्यवाही की पुष्टि पर विचार किया गया। विचारों की चर्चा के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा विद्युत विभाग की समस्याओं से सदन में जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने रखी गई। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सदस्यों का आश्वस्त किया कि जो समस्याएं सदन के माध्यम से आई हैं उसे गंभीरता से लेकर निस्तारण किया जाएगा। सदन में पंचायत राज वित्त आयोग 2021 से 22 की कार्य योजना की स्वीकृति एवं 15वां वित्त आयोग 2021-22 की कार्य योजना की स्वीकृति पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सभागार में उपस्थित सदस्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया तथा इसका सर्वे कराकर कार्य योजना बनाने का आश्वासन भी दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सदस्यों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर उसका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य एवं अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा निर्माण कार्यों को मजबूती से कराएं और सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के जिले को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। सदर विधायक दुर्गा यादव ने कहा कि सभी सम्मानित सदस्य सदन में अधिक से अधिक जन समस्याओं के मुद्दे को रखें तथा सदन में अनुशासन समस्याएं बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सभी मानवीय सदस्यों के अधिकारों को सदन में संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला ने सभी का स्वागत एवं अभिनंदन किया और कहा कि लोक निर्माण कार्य के लिए कार्य करें एवं जन समस्याओं को दूर करें। उन्होंने कहा कि जो समस्याएं आज सदन में आई हैं उसका समाधान एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वस्त किया कि जो समस्याएं अथवा मांग सदन में रखी गई है उसका समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। आइए देखें विस्तार से योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। पी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।